हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप सब? बहुत सब बढ़िया होंगे। तो चलिए बात करते हैं मार्केट के वीकली और डेली एनालिसिस के बारे में। अगर हम वीकली एनालिसिस देखें तो यहाँ पे अगर हमने एक चीज़ देखने को मिली थी हमें यहाँ पे कि 38,937 से जो है एक भी वीकली कैंडल, जितनी भी वीकली कैंडल बनी है सारी की सारी रेड बनते जा रही थी और ऊपर की तरफ बनते जा रही थी। कोई भी डाउनसाइड मतलब एक रिट्रेक्शन मतलब ये रिट्रेसमेंट नहीं आया। लेकिन अभी क्या है, टॉप से बिल्कुल एक रिजेक्शन आई है हमारी बिल्कुल 43,500 के जोन से, जहाँ से मार्केट ने जो है पहले भी रिजेक्शन ली थी अपने ऑल टाइम हाई से। तो उसी लेवल से दोबारा रिजेक्शन देखने को मिली है। तो अब देखते हैं कि ये वाला वीक हमारा कैसा जाता है। अगर ये वाला वीक हमारा क्लोज करता है इसके नीचे 42,271 के नीचे, तो हमारा जो है मार्केट एक तरीके से डाउनफॉल रेडी होने वाला है और नीचे की तरफ आने को तैयार होने वाली है। ऑल दो जैसा कि मुझे लगता है इस ईयर जो है मार्केट रिट्रेस करेगी और 38,000 हमें दिखा सकती है दोबारा से। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं वन डे के एनालिसिस के बारे में। तो मैं वन डे के अगर चार्ट में जाऊँ तो उसमें हम देखें तो फ्राइडे को हमारा एक बहुत ही बड़ी रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है बिल्कुल कहाँ से, 43,500 से ही। उसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न तो यही हो गया कि HDFC की न्यूज़ थोड़ी नेगेटिव आई और HDFC बैंक की न्यूज़ नेगेटिव आने की वजह से बैंक निफ्टी में फ़र्क तो पड़ना ही था, बिकॉज आपको पता है कि वेटेज इसका HDFC के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर 32% है। वही हमारा इसमें एक फ़र्क पड़ गया कि उसकी न्यूज़ से हमारे बैंक निफ्टी में इम्पैक्ट आ गया। और लेकिन जब खुली तो मार्केट डाउन थी 43,100 के अराउंड, लेकिन जब ऊपर दोबारा गई और वापस वहाँ से सेलर जो एक्टिवेट हो गई, बिकॉज उनको क्या है मौका मिल गया एक कि हाँ मार्केट को नेगेटिव साइड ले जाने का। उन्होंने पूरी तरह हैवीली एक्टिव हुए वहाँ से और वहाँ से मार्केट जो है रिजेक्शन लिया है बुरी तरीके से। अब ये जो रिजेक्शन है, अब जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग ऐसा था कि जब जो है मार्केट अगर 43,000 के ऊपर रहती है, यानी 42,900 से लेके 43,000 के ऊपर तक रहती है, तब तक मार्केट जो है बुलिश ही रहेगी, यहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकता था। लेकिन एक ही दिन में क्या हुआ कि मार्केट पूरी 42,661 को टच कर दिया, यानी मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई है, 42,661 पे। अभी के लिए मार्केट नेगेटिव साइड में है। इसको पॉजिटिव जाने के लिए इसको दोबारा से जो है इस जोन को क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर मार्केट को नीचे आना है तो हो सकता है यहाँ से नीचे कल आ जाए, क्योंकि जब भी सेलिंग होती है बहुत तेज़ी से होती है और एकदम से तेज़ी से होने के चांसेस कल ज़्यादा हैं। अगर ये कल होल्ड करती है यानी गैप अप खुलती है तो सिनेरियो बहुत ही बेकार हो जाएगा ट्रेड लेने के लिए। लेकिन अगर इसी जोन पे मार्केट खुल के यानी फ्लैट खुल के थोड़ी देर रुकती है आधे घंटे, उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से हम एक ट्रेड बना सकते हैं नीचे के लिए। और वो ट्रेड हम देखते हैं कि 15 मिनट में कल के लिए क्या ट्रेड हो सकती है। बट कल के लिए मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट करूँ तो इतना बड़ा एक मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे गई है, मतलब 1,000 पॉइंट माइनस में गई है, तो उसके बाद जो है ऑल दो हो सकता है एक पॉज ले सकती है मार्केट, जहाँ तक कि मेरे को लगता है। बिकॉज एक ये साइकोलॉजिकल चीज है कि मार्केट को जो है पॉज लेना लाजमी सी बात है, जब एक बारी मार्केट इतनी तेज़ी से या फिर अपसाइड जाती है या फिर डाउन साइड जाती है। तो इस चीज़ को हम एक सेकेंड, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपका सिनेरियो जो है हमारा बनता है कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है अराउंड यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, यानी 42,600 से लेके 700 के बीच में कहीं पे ओपन होती है और यहीं पर सस्टेन करती है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जब प्रीवियस डे लो को निकालती है, प्रीवियस डे लो यानी 42,584 का, इसके अगर निकालती है तो हमारे को टारगेट जो है अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और उस टारगेट को देखने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा पीछे कि हमारे टारगेट्स कहाँ पे बन रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ से मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर गई थी, तो इसको नीचे आने के लिए जब इसको वापस दोबारा तोड़ेगी तो सपोर्ट है बेसिकली तरीके से। इसको दोबारा अगर तोड़ती है तो फिर कहाँ तक आ सकती है, 42,400 का हमारा पहला टारगेट बनेगा, जहाँ से 441 का यानी 450 का टारगेट हमारा पहला बनेगा। देन उसके बाद जो है सीधा टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं 41,970 या फिर 42,000 का। तो कल देखते हैं मार्केट करती है क्या है। बस यही मैं एक ट्रेड इम्प्लाइड करूंगा। लेकिन अगर गैप अप खुलती है यहाँ पे कहीं पे अराउंड, अगर यहाँ पे कहीं पे खुल रही है और यहीं कहीं पे खुलती है या फिर गैप अप खुलने के बाद
मतलब हाँ वही कि यहाँ कहीं पे खुलती है तो चाहे ये कहीं भी जाए मैं ट्रेड नहीं लूँगा। हाँ एक केस में ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे गैप अप खुलते ही एक बड़ी सी कैंडल ड्यूरेशन कैंडल बन जाए और यहाँ तक आ जाए मार्केट, उसके बाद होल्ड करती है यहाँ पे, देन उसके बाद दोबारा निकालती है नीचे की तरफ, तो मैं ट्रेड यहाँ पर लूँगा, वरना कल को मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। कल मेरी ट्रेड एक आधी एक्टिवेट होगी, वैसे जनरली मेरी ट्रेड 2 से 3 ही होती है मैक्सिमम, बट कल हो सकता है वो भी ना हो, कल का दिन हो सकता, मार्केट का पॉज का दिन हो सकता है। सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।